सोलन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते सब्जी की दुकानें ज्यादातर खाली पड़ी हैं। ग्राहकों ने जैसे सब्जी खरीदना बेहद कम कर दिया है। कम ग्राहक आने से दुकानदार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने तो अपना व्यवसाय बदलने का मन बना लिया है। लॉकडाउन के समय बहुत से दुकानदार सब्जियां बेचने लग गए थे, लेकिन अब उन्होंने भी सब्जियां बेचने से तौबा कर ली है। पहले स्थानीय सब्जियां बेहद ज्यादा मात्रा में मंडी पहुंच रही थी, लेकिन अब वे फसल खत्म हो गई है। शहर में जो भी सब्जियां आ रही हैं, वे बाहरी राज्यों से आ रही हैं। यही कारण है कि सब्जियों के दाम बेहद बढ़ चुके हैं। चिंता जाहिर करते हुए सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि सब्जियों के दाम बढ़ने से ग्राहक बेहद कम संख्या में सब्जियां बेचने के लिए आ रहे हैं। जो व्यक्ति पहले 1 किलो प्याज खरीदता था, वह केवल 250 ग्राम प्याज खरीद रहा है, और यही हाल मटर का है। इन दोनों की कीमतें पहले बेहद कम थी, लेकिन आज प्याज 80 रुपए तो मटर 120 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय सब्जियां खत्म हो चुकी हैं और बाहरी राज्यों से बेहद कम सब्जियां सोलन की मंडी में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों शादियां ज्यादा होने के साथ साथ त्योहारों के कारण सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण उनकी सब्जियां बेहद कम बिक रही हैं और सब्जियां दुकान में पड़ी पड़ी खराब होने लगी हैं। यहां तक कि उनकी लागत भी निकल नहीं पा रही है। सब्जी तो इस बार सारी महंगी है बाबूजी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने कम सब्जियां बनाई, तब करके महंगी हो गई बहुत सब्जियां। क्या क्या रेट है सब्जियों के, क्या कहेंगे इसके? गोभी 60 रुपए किलो है, भिंडी 50 रुपए, तोरी 40, बीन 80, बैंगन 40, खीरा 40, घिया 40, मूली 30, आलू 50 और 60 रुपए, प्याज 70 रुपए किलो है। तो लोग कैसी खरीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? लोग तो बेचारे परेशान है महंगाई की वजह से, बिक्री तो बहुत कम हो जाती है आजकल, बहुत मंदा है। अगर 20,000 का माल आएगा 10,000 सेल होती है शाम तक, ये चिंता का ही विषय है सर। परेशान है दुकानदार भी, परेशान है लोग भी, परेशान है। इतनी महंगाई में क्या खाएंगे गरीब लोग, परेशान है। लोग खरीद नहीं पा रहे इतनी महंगी सब्जियां सड़ रही है, वेस्टेज हो रही है, ना हमारी बिक्री है, नीचे सब्जी मंडी में मिल नहीं रहे, यहाँ बिक नहीं रही हमारी। जैसे सर सब्जियों के आज कल रेट बढ़े हुए, जैसे आलू मान लो आप, आलू 60 रुपए किलो बिक रहा, प्याज भी 80 रुपए किलो हो गया, और फूल गोभी और ये भी 60 रुपए बिक रही, और टमाटर वगैरह ये भी 60 ही हैं जी। और आजकल हमारे पर्चे पुर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, और जो हमारी लागत है वो भी नहीं निकल रही है आजकल। ग्राहक भी वैसे जैसे किलो की जगह आधा किलो लेके जाते हैं, वैसे तो सब्जियों में थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, पर आजकल तो थोड़ी महंगी हो रही है, नवरात्र करके भी, और थोड़ी अभी शादियाँ शुदी वगैरह भी है तब करके हुई। आजकल दाम थोड़ा हर सब्जी में थोड़ी सी बढ़ी हुई दाम है, क्योंकि इस करके कि मतलब सब्जी भी कम हो गए यहाँ पे, नीचे से सब्जी आ नहीं रहा है अभी, तो इस करके कि मतलब सब्जी का दाम तो तेज़ी है। प्याज थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्याज हो गया, थोड़ा सा आलू भी बढ़ गया, मटर भी थोड़ा तेज़ी है। क्या क्या दाम है सब्जियों का? सब्जी का दाम है कि मंडी में आजकल हमारे को पड़ता है 60 रुपए 65 रुपए प्याज। किन किन सब्जियों के क्या क्या दाम है? जो हमारे पास बिक रहा है आजकल प्याज 70 रुपए किलो, आलू 45 से लेके 50 तक पहाड़ी आलू, और मटर बिक रहा है 120 रुपए, घिया 40, बैंगन 30, ऐसा मतलब जो ये बाकी सब्जी हरी सब्जी थोड़ा कम ही रेट है, तो बाकी ये प्याज ज़्यादा हो गया और मटर हो गया ज़्यादा। तो लोग कैसी लोग आजकल खरीदारी कम कर रहे हैं थोड़ा सा महंगाई की वजह से। जिसने बेचारे ने प्याज किलो लेना वो पहिया लेके जा रहा, जिसने एक एक किलो सब्जी खरीदना वो पहिया लेके जा रहा, आधा आधा किलो लेके जा रहा, तो इस करके हमारे भी मेहनत पूरी, सब्जियों का पैसा भी पूरा नहीं हो रहे। तो मंडी से हम सब्जी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, सवेरे तो लाना ही लाना ज़रूर है, दुकान तो खोलनी है, तो खरीदारी हो ही नहीं रहा, तो पैसा पूरे हो ही नहीं रहा, ये चिंता है ही हमारे लिए चिंता है, लोगों के लिए भी चिंता है, थोड़ा सा महंगाई हो गया तो उनके लिए भी चिंता है, हमारे लिए भी चिंता है, ये सबके लिए ऐसा ही है।